today we are at Mr. and Mrs. Idli, the taste of Chennai. So here is the menu. They do have a lot of varieties, so it's difficult for us to show each and everything. So main aapko ye farafat se ek bar inka menu dikha rahi hu. They do have pizza, sandwiches, fries, wraps, pastas, garlic bread, soups, and the West Indian dosas. We are aware of it, and about the idli and vada also, we are much aware. Hi everyone, so मैं हूँ आपकी होस्ट सपना खन्ना और आज हम आपको लेके आए हैं Mr. and Mrs. Idli, and soon it's gonna be secret spice. और हम देंगे आपको यहाँ के खाने के रिव्यूज. यहाँ की बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं जिसमें डोसा, इडली इनका बहुत ज्यादा फेमस है, स्पेशली साउथ इंडियन जो आता है हमारा. सो अभी हमने ऑर्डर किया है हमारे लिए ये रवा मसाला डोसा. See the size, wow. इसमें जो बैटर है वो बहुत अच्छे से फिल किया गया है. दिस इज वेरी क्रंची फ्रॉम आउट. अगर आप इसकी लेयर देखें बहुत ही थिन लेयर है. सी दिस, बहुत ही थिन लेयर है, बहुत ही क्रंची है, एंड विद बैटर इट जस्ट अमेजिंग. वाओ, आई लाइक इट. इडली फ्रेंच फ्राइज, इट्स क्वाइट डिफरेंट. सी, आई जस्ट शो यू. ये इडली है जिसे फ्राई करके बनाया गया है. वाओ, तो अभी मैं टेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी कैसी है. क्रिस्पी आउटसाइड क्योंकि ये फ्राइड है, तो बाहर से बहुत ज्यादा क्रंची है एंड अंदर से एज यूजुअल इडली का टेस्ट है. यू वांट टू हैव समथिंग लाइट एंड यूनिक एंड डिफरेंट, यू कैन ट्राई दिस इडली फ्रेंच फ्राइज. वाओ. सो अभी हम फूड ब्लॉगर्स हैं, तो चल रहा है हमारा इंस्टाग्राम के लिए एक शूट छोटा सा. देन विल बी गिविंग यू अ रिव्यू. सो हियर आई एम हैविंग दिस पनीर चिली पटाटो. हनी चिली पटाटो जो जितनी अच्छी इसकी डेकोरेशन है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट है. वाइट तिल का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं. हाँ, थोड़ा सा स्पाइसी है, बट एज इट इज हनी चिली पटाटो तो चिली होना तो जायज है. नाउ आई विल ट्राइंग दिस. सो लेट मी हैव दिस ऑन माय प्लेट. Here I have chicken. इसमें इन्होंने बेबी कॉर्न का यूज किया है एंड साथ में दे हैव यूज्ड स्वीट कॉर्न और कमाई. वो बहुत यूनिक लग रहा है. इसमें दे हैव यूज्ड बेल पेपर्स, अ लॉट ऑफ वेजीज. बेल पेपर्स हैं, लॉट ऑफ वेजेस हैं एंड दिस इज द बेबी कॉर्न्स जिन्हें इन्होंने फ्राई करके डाला हुआ है. तो इट इज जस्ट गिविंग वेरी ऑथेंटिक एंड यूनिक टेस्ट. बहुत अच्छा है, मस्ट ट्राई आइटम है. जब भी आप देहरादून आए यहाँ आना ना भूलें एंड डू ट्राई दिस. परफेक्ट. सो मैंने आपको कहा था मैं जल्दी ही लेके आऊंगी मिस्टर ललित खन्ना को वीडियो में. सो हियर ही इज.
बाद जब भी आप यहाँ विजिट करेंगे, दे आर सून चेंजिंग टू सीक्रेट स्पाइस एंड दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग मल्टी क्यूजिन, जहाँ पे यू विल बी एबल टू ईट कॉन्टिनेंटल, थाई एंड नॉनवेज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, चाइनीज होगा. अभी जब हमने वीडियो बनाया है, इट इज़ अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, बट इन फ्यूचर ईयर्स दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग मेनी मोर थिंग्स. तो यू कैन कम हेयर. आपका साउथ इंडियन अभी भी यहाँ रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा. दे विल बी ऑल्सो एडिंग नॉर्थ इंडियन क्यूजिन, तो इट विल बी अ मल्टी क्यूजिन, जहाँ पे आप अपनी सारी पसंद की चीज़ें एक ही फ्लोर के नीचे, रूफ के नीचे ले सकते हैं. एंड वी हैव ट्राइड द प्योर वेजिटेरियन स्टफ यहाँ पे, जो हमने आपके ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, जिसके रिव्यूज शेयर किए हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस. जैसा कि मैंने आपको कहा, हमें बहुत सारा प्यार चाहिए, तो वो प्यार हमें देते रहिएगा. मैं हूँ आपकी होस्ट और इस टाइम मिस्टर ललित खन्ना बना रहे हैं वीडियो, जिन्हें मैंने आज थोड़ा सा वीडियो में इंट्रोड्यूस किया है. आई ट्राई सून कि वो मेरे साथ आए और फूड के रिव्यूज़ दें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड ऑन यूट्यूब द मकर स्टैंड चैनल.